नमस्कार दोस्तों, डीएचएम मंथन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक और अद्भुत जानकारी लेकर आते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल डीएचएम मंथन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी फुर्सत मिलती वो आम के पेड़ के पास पहुंच जाता, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने पर उसी की छाया में सो जाता। उस बच्चे और आम के पेड़ में एक अनोखा रिश्ता बन गया। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेला रोता। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और पास आने पर कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं रोज तुम्हें याद करता था, चलो आज फिर से दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ ने कहा, मेरे आम लेकर बाजार में बेच दे, इससे जो भी पैसे मिले अपनी फीस भर देना। उस बच्चे ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और उन सब आमों को लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ उसकी राह देखता रहता। एक दिन वो फिर आया और कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे मेरा अपना घर बनाना है, इसके लिए मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। आम के पेड़ ने कहा, तू मेरी सभी डाली को काट कर ले जा, उससे अपना घर बना ले। उस जवान ने पेड़ की सभी काट डाली और लेके चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं था, वो बिल्कुल बंजर हो गया था, कोई उसे देखता तक नहीं था। पेड़ ने भी अब वो बालक जवान उसके पास फिर आएगा यह उम्मीद छोड़ दी थी। एक दिन अचानक वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही बालक हूँ जो बार बार आपके पास आता था और आप हमेशा अपने टुकड़े काट कर भी मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। वृद्ध ने आंखों में आंसू लिए और कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है, आपकी गोद में सर रखकर सो जाना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी हुई डाली फिर से अंकुरित हो उठी। वो आम का पेड़ कोई और नहीं, हमारे माता पिता हैं दोस्तों। जब छोटे थे उनके साथ खेलना अच्छा लगता था, जैसे जैसे बड़े होते चले गए उनसे दूर होते गए। पास भी था भाई जब कोई ज़रूरत पड़ी, कोई समस्या खड़ी हुई। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं।
छा कर उनसे लिपटे उनके गले लग जाएंगे। फिर देखना वृद्धावस्था में भी उनका जीवन फिर से अंकुरित हो उठेगा। आपसे प्रार्थना करती हूँ, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, ताकि किसी की औलाद सही रास्ते पर आकर अपने माता पिता को गले लगा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।